अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू सिद्रा आता चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी जो कि है जी शादी व्लॉग। तो आज मेहंदी है तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, अभी न्यू ही स्टिच करवाया था। लेकिन हमारे गर्ल्स की यही होती है कि जो भी न्यू ड्रेस हमने सिलाई करवाया वो ही पहने। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स की बता देती हूँ। आजकल वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है, तो ये भी वेलवेट का है। इस तरह इसके ऊपर ये प्रिंट बना हुआ है और इसके ऊपर बोट नेक है। फ्रॉक बनाई है, ना इतनी ज़्यादा लॉन्ग है और ना इस शॉर्ट है। और स्लीव्स भी इसके बिल्कुल सिंपल हैं क्योंकि आपको पता है वेलवेट है। तो कलर इसका मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, जिस वजह से मैंने इसको स्टिच करवाया है। और साथ ये शिमर का कैपरी है और साथ ये दुपट्टा है जो कि गोल्डन कलर का है। हमारे जो शादियों में जाना हो तो मेहंदी हो तो गोल्डन कलर तो उसमें आ ही जाता है, ना ना करते भी। तो उसके बाद मैं ज्वेलरी दिखा देती हूँ आपको थोड़ी सी। तो ये वाले जी इयररिंग्स पहनूंगी, उसके साथ ये मैंने बाय किया था, ये लॉक वाला जो नेकलेस है वो वाला है। तो ये मैंने कहा इसके साथ पहन लूंगी, ये साथ इसके ये पूरा नेकलेस बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो रिंग्स वगैरह मैं पहनूंगी वो आपको साथ ही दिखा दूंगी कौन सी मैंने पहनी है, जूता वगैरह। तो ये हम रेडी होके तो हाल में पहुंच चुके थे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने रिंग पहनी थी और साथ ही ये जूता पहना था, ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। तो जाते ही इन्होंने गोलगप्पे खिला दिए जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। उसके बाद जी मैंने कहा चले आपको हाल का टूर देती हूँ बैठे बैठे ही। तो हाल भी बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, उसके बाद ये जी स्टेज बहुत प्यारा बनाया था। लड़के की मेहंदी थी तो लेट नाइट चलती रही क्योंकि रसूमात ही बहुत ज़्यादा थी। तो पहले इन्होंने खाना खिला दिया, खाने में चिकन चावल नान मीठे चावल और चाय, चाय वाला काम तो बहुत ही अच्छा किया क्योंकि इतनी सर्दी थी और रात का फंक्शन था, जिस वजह से चाय पिला दी तो थोड़ा सा सबको हौसला हो गया, सुकून हो गया। तो ये देख सकते हैं आप सब चाय। तो रसमात की बात कर रही थी, ये मेहंदी लेके आया तो बहुत सी इन्होंने रसमात की थी लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि प्राइवेसी भी होती है। तो इस वजह से फिर मैं नहीं कैप्चर कर सकी कुछ पॉइंट जो मैंने किए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये मेहंदी लेके आई, ये देख सकते हैं आप। तो उसके बाद इन्होंने डांडी वाला डांस किया और वैसे भी बहुत ज़्यादा डांस किया। जब डांस करने के बाद फिर वो लड़के को मेहंदी लगाई, फिर वो जो लड़के के दोस्त होते हैं वो आपको पता है पूरी रात सारा फंक्शन चलता रहा। तो ये जी अगली सुबह की बात है, तो मैं क्या बारात जाने से पहले आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ जो उनसे मैंने पहननी है और ये क्लच मैंने पकड़ना है। तो उससे पहले मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता रात लेट नाइट खाया हुआ था तो मैंने कहा चले लाइट सा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भी बारात का फंक्शन भी रात का ही था। इस वजह से फिर ये नाश्ता मैंने कहा चले चाय रस कर लेती हूँ, कुछ समझना ना है, चाय रस इज़ बेस्ट नाश्ता। तो ये जी मैं रेडी हो गई, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो पुरानी वीडियो निकाल के देख सकते हैं मेरी। तो ये रेड कलर का लहंगा है और ये शर्ट है। तो जूता मैंने साथ इसके हाई हील वाला था लेकिन मैं हाई हील नहीं ब्लॉक हील वाला पहन लिया था क्योंकि सफ़र भी करना था, दूर जाना था। तो ये लड़के वालों ने थोड़ी सी गली जो अपनी डेकोरेट की हुई थी मैंने कहा दिखा देती हूँ और उसके बाद हम गाड़ी में आके बैठ के क्योंकि हमने बारात के साथ जाना था और ये शाम का टाइम हो गया था तकरीबन 6:30 का टाइम। और ये देख सकते हैं जिधर हम मैरिज हॉल पहुँचे थे उसका थोड़ा सा व्यू। उसके बाद बारात हम तो आके तो खड़े हो गए थे, तो आपको पता है फिर जो दोस्त और कज़न होते हैं उन्होंने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला तो करना होता है ना, पता चले बारात आई है तो देख सकते हैं आप। तो ये है जी अब हाल के अंदर के मनाजिर। तो बैठे बैठे जितना भी कैप्चर हो सका था ना मैंने हर चीज़ को कवर करने की, कैप्चर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद जी खाना आ गया, खाने में पहले इन्होंने रोस्ट रखा था और उसके बाद चावल चिकन नान और मीठे में था गाजर हलवा और उसके बाद चाय, चाय वाला काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे क्योंकि सर्दी में चाय तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये दुल्हन आ गई थी और इन्होंने अब जो भी रस्मात करनी थी वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। उसके बाद ये डायरेक्ट हम वलीमे पे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। तो जब हम पहुंचे हैं तो जो वलीमा है वो पहले ही आ चुका था, देख सकते हैं आगे आगे वही है पीछे हम हैं। लेकिन जब हम अंदर एंटर होने से पहले उनसे पहले ही एंटर हो गए थे तो उसके बाद वो एंटर हुए थे क्योंकि कुछ रस्मात वो दरवाजे में भी होती हैं वो करने लग गए थे, हमने साइड से होके निकल आए। तो ये अंदर आके मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा इसका भी टूर दे देती हूँ। उसके बाद ये मैं हूँ क्योंकि वलीमे इससे पहले मैंने आपको अपनी लुक नहीं दिखाई तो मैंने सोचा कि अब दिखा देती हूँ। तो ये हम बैठे हुए थे बैठ के वलीमे पे, आपको पता है कि एंट्री का इंतज़ार होता है दूल्हा और दुल्हन की, तो उसके बाद साथ ही एंट्री होगी उनकी। ये
माशाल्लाह एंट्री इन्होंने बहुत ही प्यारी करवाई थी, मैंने तो इसको फास्ट पे लगा दिया है, लेकिन वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था इसको देखने में। तो उसके बाद ये दूल्हा दुल्हन इसमें बैठे हुए थे, फिर ये काफ़ी देर घूमता रहा, घूमने के बाद ये बाहर निकले और साथ ही इन्होंने पैसे भी इतने ज़्यादा बरसाए इसके दोस्तों ने, तो बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था ये देखते हुए। रोटी खुल गई है यानी कि खाना आ चुका था। उम्मीद करती हूँ जी शादी का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दे, बहुत सा शेयर कर दे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।